छात्रावास अधीक्षक का मतलब हॉस्टल वार्डन का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मैथ्स जो दिखाई देगा, गणित विषय जो है वो 20 नंबर का है, तो अच्छा खासा वेटेज है, 20 नंबर का है, तो 150 अंक का जो पेपर होगा, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब बता दिए होंगे सर, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, तो 150 अंकों का जो पेपर होगा इसमें 20 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे मैथ्स के, 20 प्रश्न, 20 नंबर का वेटेज है, रीजनिंग नहीं है, मैथ्स है। दो तीन विषयों का वेटेज बड़ा बड़ा है, जैसे कंप्यूटर का वेटेज बड़ा है 50 नंबर, मैथ्स का वेटेज बड़ा है 20 नंबर, छत्तीसगढ़ का वेटेज बड़ा है 20 नंबर, बाकी सब 10-15 वाले हैं, 90 नंबर का हो गया ये, 50 नंबर का आपका कंप्यूटर है, 20 नंबर का मैथ्स है और 20 नंबर का छत्तीसगढ़ है, 90 नंबर हो गया ये। तो बड़े वेटेज में ये तीन विषय हैं, इसीलिए इन तीन विषयों को लेकर क्लासेस आरंभ हुई, क्योंकि इन तीन विषयों का वेटेज बड़ा है, कंप्यूटर, मैथ्स और छत्तीसगढ़, इन तीन विषयों को लेकर क्लासेस स्टार्ट करने के पीछे का कारण भी यही है, इन तीन विषयों का वेटेज बड़ा है, 90 नंबर आपका साथ साथ चल रहा है, इसके बाद बचेगा आपका 60 नंबर बचेगा इसके बाद, जिसमें 15 नंबर का क्या है करंट अफेयर, 15 नंबर का क्या है भारत का सामान्य अध्ययन, तो भारत के सामान्य अध्ययन का वेटेज कम कर दिया गया है। जनरली आप देखेंगे तो जो व्यापम के एग्जाम हुए हैं आज तक, जो व्यापम के एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, पहले तो व्यापम ही लेता था इसको, आरआई, पटवारी, ये सब भी व्यापम ही लेता आया है, तो पहले व्यापम के एग्जाम्स आप देखेंगे तो भारत का सामान्य अध्ययन इसका 35 प्रश्नों का एक पैकेज होता था, 35 प्रश्नों का, जो कि आरआई में पटवारी में है, वहां पे कंप्यूटर 20 प्रश्न का है, यहाँ पे कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको भारत का सामान्य अध्ययन इसका वेटेज कम देखने को मिलेगा। तो भारत का सामान्य अध्ययन में पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन वेटेज 15 नंबर का ही है, इसके अलावा 15 नंबर का आपका करंट अफेयर भी है, 30 नंबर हो गया ये, 10 नंबर का आपका हिंदी भाषा, 10 नंबर का अंग्रेजी भाषा और 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान, ये नया ऐड किया है। तो मेन जो वेटेज है वो आपका है कंप्यूटर का 50 नंबर, मैथ्स का 20 नंबर और छत्तीसगढ़ का 20 नंबर, इनको पहले देखते हैं। मैथ्स में देखेंगे स्पष्ट लिख दिया है कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं आपको, सिलेबस देखेंगे तो एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं, तो देख सकते हैं इस भाग से 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे, जिसमें इकाई एक आप देख पा रहे हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहा है, पहला ही चैप्टर लिखा है, संख्या वगैरह कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, संख्या नहीं लिखा है, सरलीकरण नहीं लिखा है, भिन्न संख्या नहीं लिखा है, घातांक करणी नहीं लिखा है, तो ये चैप्टर शुरू के छोड़ दिया है, तो जो चैप्टर्स लिखा है पहले उन्हीं को कवर करेंगे, क्योंकि समय देखा जाए तो 2 महीने से ऊपर नहीं मिलेगा आपको, मान के चलिए कभी भी एग्जाम का डेट आ सकता है, 2 महीने से ऊपर समय नहीं मिलेगा मान के चलिए आपको, तो जो चैप्टर्स लिखे हैं पहले मैं उन्हीं को कवर कराऊंगा, संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी आपको, लेकिन साथ साथ जब जब आवश्यकता पड़ेगी वो आपको बताते चलूंगा, समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा सीक्वेंस लिखा है उसी सीक्वेंस में चैप्टर्स को सॉल्व कराऊंगा मैं, जो सीक्वेंस लिखा है। तो बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं, शुरू के लगभग 5 चैप्टर जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं वो छोड़ दिए गए हैं, जिसमें संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, भिन्न संख्या है, घातांक करणी है, वर्गमूल, घनमूल है, इन चैप्टर्स को यहाँ पे हटा दिया गया है, सीधे पहला चैप्टर है आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब एचसीएफ और एलसीएम, ये पहला चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, व्यापम का पसंदीदा चैप्टर है ये, व्यापम के मैक्सिमम एग्जाम्स में आप देखेंगे तो यहाँ से 2-2, 3-3 प्रश्न तक पूछे गए हैं, तो व्यापम के पसंदीदा चैप्टर में से एक है आपका एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद आप देख सकते हैं औसत में आ गया सीधे, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, औसत इंपॉर्टेंट है, औसत तो पूछेगा ही, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे वो CGPSC का हो, CG व्यापम का हो, SSC का, बैंकिंग का, रेलवे का, किसी का भी उठा लो, औसत से प्रश्न मिलना तय होता है, प्रतिशत है। इसके बाद आप देखेंगे तो चाल समय दूरी लिख दिया है, चाल समय दूरी, चाल समय दूरी में ही आपको क्या पढ़ना होता है, रेलगाड़ी, नाव और धारा, चाल समय दूरी लिखने का मतलब इसी में आपको रेलगाड़ी, नाव और धारा भी कवर करना पड़ता है। तो ये कुछ चैप्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो सामान्य ब्याज, सामान्य ब्याज मतलब साधारण ब्याज, यहां पे आप देख सकते हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोल रहा है,
जो लिखा है पहले वो कवर कराऊंगा, समय बचेगा तो एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी बड़ी बता दूंगा आपको मैं। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिल रहा है फिलहाल, लाभ हानि ये तो पूछेगा ही, प्रतिशत है तो लाभ हानि तो रहेगा ही। इसके बाद अनुपात समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, प्रतिशत का ही है जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास, मतलब जो प्रतिशत का चैप्टर है उसी में आप इसको कवर कर लेते हैं। जनसंख्या में जो वृद्धि होता है हर साल, कमी होता है, पुरुषों में महिलाओं में जो कमी वृद्धि होता है उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आएंगे, जो कि प्रतिशत के चैप्टर में ही आपको कवर करने होते हैं। तो आप देखेंगे तो चैप्टर्स गिने चुने हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अननेसेसरी बहुत सारे चैप्टर्स को यहाँ पे नहीं रखा गया है। 20 नंबर का वेटेज है, छोटा मोटा वेटेज नहीं, अच्छा वेटेज है, चैप्टर्स भी कम है। महत्तम समाप्त वर्तक और लघुत्तम समाप्त वर्त पहला चैप्टर, उसके बाद आप देख पा रहे हैं औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, प्रतिशत से ही पूरा लिंक होता है लाभ हानि, और प्रतिशत से ही पूरा लिंक होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चाल समय दूरी है, इसी में रेलगाड़ी नावधारा आ जाएगा। अनुपात समानुपात है, ये देखो यहां तक कंप्लीट। इसके बाद कुछ और चैप्टर्स हैं, देख सकते हैं आप, रेखा और कोण, रेखा और कोण, इसमें मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा अलग अलग प्रकार की रेखाएं, जैसे समांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार के कोण आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिरसाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, संगत कोण किसको बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण किसको बोलते हैं, एकांतर बाह्य कोण किसको बोलते हैं, सह अंतः कोण किसको बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के कोड आपको देखने पड़ेंगे, उन पे प्रश्न बनते हैं। व्यापम का ये भी बहुत पसंदीदा चैप्टर रहा है, रेखा और कोड, कोडों की जानकारी आपको देखनी है, संगत कोड कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, समझ आ रहा है, एकांतर अंतः कोड, एकांतर बाह्य कोड, ये सुने होंगे, सिरसाभिमुख कोड तो बताऊंगा जब पढ़ेंगे वहां पे, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त, ये देखिए 2D आकृतियां हैं ये, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अलग अलग प्रकार का त्रिभुज, अलग अलग प्रकार का चतुर्भुज और फिर वृत्त आपको देखना पड़ेगा। त्रिभुज में बहुत सारे प्रकार होते हैं, विषमबाहु होता है, समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, समकोण होता है, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं। चतुर्भुज में अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज, आयत होता है, वर्ग होता है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सारे चतुर्भुज कवर करने पड़ेंगे। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज पूरा लिख दिया है। ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब यहाँ पे 3D की बात कर रहा है। आयतन वाले चैप्टर में आपको घन और घनाभ लिख के दिया है, यहाँ पे बेलन शंकु गोला भी होता है जनरली 3D में, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या लिखा है, घन और घनाभ। बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, मतलब बहुत फायदा मिलेगा, और ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से प्रश्न आपके बनेंगे, समझ आ रहा है। ज्यादा वैरायटी कहां पे मिलता है आपको, शुरू के जो चैप्टर्स हैं जैसे संख्या हो गया, सरलीकरण हो गया, इनमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, नए प्रश्न आने की संभावना वहां पे रहती है, वहां पे प्रश्न छूटते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं एकदम सेलेक्टेड हैं, मतलब कंसेप्ट को पकड़ के चलना है आपको, इसमें वैरायटी आपको ध्यान नहीं देना है, इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना है। कहने का मतलब अगर आप औसत का बेसिक पकड़ लिए हैं, औसत क्या होता है जान लिए हैं, तो औसत का कैसा भी प्रश्न पूछ ले आप बना लेंगे, इन चैप्टर के साथ में समस्या नहीं आने वाली है। प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, एकदम कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। शुरू के चैप्टर्स हटाने पे बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आपको, क्योंकि शुरू के चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि 2 महीने तक पढ़ते रहो तो भी खत्म नहीं होते हैं, इतना वैरायटी होता है। इकाई का अंक पढ़ो, शेषफल प्रमेय पढ़ो, 2 अंकों वाली संख्या पढ़ो, लैडर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, समझ आ रहा है, वैरायटी बहुत है, अलग अलग किस्म के प्रश्न मिलेंगे आपको, अलग अलग वैरायटी के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा अभी, बताते चलूंगा। ठीक है, और कोई है क्या इंग्लिश मीडियम वाला? ठीक है, मैं बताते चलूंगा इंग्लिश में, जो टर्म्स आएंगे वो इंग्लिश में बताते चलूंगा मैं, तो ध्यान रखेंगे वैरायटी आपको मैटर नहीं करेगा यहाँ पे कंसेप्ट मैटर करेगा। अगर कंसेप्ट को पकड़ लिए हैं, बेसिक चीजों को सीख गए हैं, तो औसत का कैसा भी प्रश्न आ जाए बन जाएगा। प्रतिशत का अगर बेसिक सीख गए हैं तो प्रतिशत का कैसा भी प्रश्न आए बनेगा, प्रतिशत से लिंक होगा आपका लाभ हानि। तो बहुत अच्छा आसान सिलेबस रखा गया है मैथ्स का, शुरू के चैप्टर्स को हटा दिया गया है, समय और कार्य भी दिखाई नहीं दे रहा है आपको यहाँ पे, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। टाइम एंड वर्क
बहुत बड़ा चैप्टर है, उसी से लिंक होता है पाइप और टंकी। तो समय और कार्य आपको टाइम एंड वर्क यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो एकदम सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, कोई समस्या यहां पे नहीं आएगी। कंसेप्ट को पकड़ के काम करना है बस आपको, केवल कंसेप्ट को पकड़ो, काम करो, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। संख्या वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, समय ऑलरेडी 2 महीने का है मान के चलो, हो सकता है 1.5 महीना भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो जो लिखा है पहले उसको कवर करो, और मैंने जो पेपर्स देखे हैं इसके हॉस्टल वार्डन के, जो सिलेबस में लिखा है वहीं से आया है, जो नहीं लिखा है वहां से क्वेश्चंस नहीं बने हैं। तो जो लिखा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, नंबर्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी, लेकिन आप नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है साथ साथ में बता दूंगा मैं। तो पहला जो चैप्टर है लिखेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, इसको बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहला चैप्टर है लिखेंगे। तो जैसा देख पा रहे हैं सिलेबस उसी में चलेंगे, उसी में। तो पहला चैप्टर जो है लिखेंगे लस मतलब लघुत्तम समापवर्त्य और मस महत्तम समापवर्तक, इसी को बोलते हैं LCM एंड HCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, लस और मस। सिलेबस से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, एकदम सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ओरली चैप्टर्स को काउंट कर सकते हैं आप, मेन मेन चैप्टर्स जो मैथ्स के होते हैं, आपका पहला चैप्टर LCM HCF, लस मस, प्रतिशत मतलब परसेंटेज, लाभ हानि साथ में ले लो, प्रॉफिट लॉस, इसके बाद आप ले लो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद आप ले लो किसको समय दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में लिंक होता है आपका रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, इसी में लिंक होता है नाव धारा मतलब बोट एंड स्ट्रीम, ये हो गया कंप्लीट इधर का। अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, इसका एप्लीकेशन देखेंगे अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, खत्म हो गया ये देखो, ये 2 स्लाइड खत्म हो गया आपका, समझ आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप इसको सीधे सीधे लिख दो, 2D आकृतियां पूरी कवर करनी है आपको। रेखा और कोण का मतलब होता है लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण का मतलब लाइन एंड एंगल, अलग अलग प्रकार की लाइंस, अलग अलग प्रकार के एंगल्स कवर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 2D आकृतियां लिख लो उसको, 2D जो भी डायग्राम्स होते हैं जिसमें आपका ट्राइंगल आता है, त्रिभुज, चतुर्भुज आता है और वृत्त आता है। 3D आकृतियों में थोड़ा मोड़ा बताऊंगा मैं, क्योंकि यहां लिखा है घन और घनाभ, तो 3D आकृतियों में आपको बताऊंगा क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, थोड़ा सा सिलेंडर का, कोन का और स्फेयर का फॉर्मूला बता दूंगा, बाकी लिखा नहीं है सिलेबस में, बहुत आराम से कवर हो जाएगा। हर चैप्टर से एक दो प्रश्न आपको मिलेगा, तय है एकदम, हर चैप्टर से एक दो प्रश्न आपको मिलना तय है। 20 प्रश्न पूछेगा, गिने चुने चैप्टर्स हैं, मतलब अच्छे चैप्टर्स हैं, सीधे कंसेप्ट पे आओ, ऐसे चैप्टर्स हैं, बेसिक कंसेप्ट सीखना है बस, जितना पढ़ाऊंगा और साथ में प्रैक्टिस शीट मिलेगा, केवल इतना कवर करना है, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, बुक मत पढ़िए, कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना, और साथ में हर चैप्टर का प्रैक्टिस शीट मिलेगा, इतना काम करना है बस, उससे बाहर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा बाहर, जितना पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आएगा मैथ्स, मैथ्स में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो पहला चैप्टर आप देख सकते थे लिखा हुआ था महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको HCF मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ऑनलाइन में क्या डाउट है, PDF मिलेगा, बिल्कुल बताऊंगा जयप्रकाश, सारी चीजें हो जाएंगी, PDF मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए समझेंगे इस चैप्टर को लेके, समस्या ये आती है कि किन प्रश्नों में आपको LCM निकालना है, किन प्रश्नों में आपको HCF निकालना है। प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि इसका LCM निकाल के बताओ, इसका HCF निकाल के बताओ, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न कैसा आएगा, स्टेटमेंट वाला प्रश्न आएगा, जहां पे आपको पढ़ के समझना है कि भाई किस प्रश्न का मेरे को LCM निकालना है, किस प्रश्न का मेरे को HCF निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में LCM होता क्या है,
एचसीएफ होता क्या है, एक्चुअल में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम बोलते किसको है, एचसीएफ बोलते किसको है, क्या बताता है एलसीएम, क्या बताता है एचसीएफ। तो डेफिनेशन लिखेंगे, एक साइड एचसीएफ लिखिए और एक साइड एलसीएम, इस पर काफी बातें करेंगे क्योंकि ये समझ आ गया तो चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो एक साइड लिखिए एचसीएफ मतलब मौसम और एक साइड लिखिए एलसीएम मतलब लॉस। बताऊंगा क्या होता है मल्टीपल्स, क्या होता है फैक्टर्स। इंग्लिश में फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड, और मल्टीपल्स को क्या बोलते हैं, गुणज। बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है, काफी बातें हैं, बहुत आराम से समझ आएगा आपको। चलिए पहले हिंदी में लिख लीजिए एचसीएफ का डेफिनेशन, समझाऊंगा फिर मैं। हिंदी में लिख लीजिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। नोट्स बनाएंगे भाई, बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को अलग अलग पूर्णतः विभाजित करे, अलग अलग पूर्णतः विभाजित करे, अलग अलग पूर्णतः विभाजित करे। अगले 15 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ एक्चुअल में क्या होता है, क्या बताता है एलसीएम, क्या बताता है एचसीएफ। तो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे क्योंकि समस्या यह है कि एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो उस समय रिवीजन करने के लिए फिर बच्चों के पास कुछ होता नहीं है। सब इंस्पेक्टर में वही दिक्कत आया था, जो नोट्स बनाए हैं वो रिवीजन भी कर पा रहे हैं, तो नोट्स तो बनाएंगे ही और ढंग का नोट्स बनाएंगे जिसको आप रिवीजन कर पाए। क्या लिखा हुआ है समझाऊंगा, इंग्लिश में लिख लेंगे, एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द हाईएस्ट नंबर, इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। HCF of two or more numbers is the highest number which divides each of them exactly. LCM का definition लिखो, उसके बाद समझाता हूं क्या होगा LCM, क्या होगा HCF। लिखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM, दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM, दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लीस्ट नंबर, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लीस्ट नंबर, इज द लीस्ट नंबर which is divisible by each of them exactly, which is divisible by each of them exactly, which is divisible by each of them exactly। ये परिभाषाएं आपको बुक में दिखाई देंगी, इसके बाद काफी कुछ और समझाऊंगा, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फिलहाल जो बुक में परिभाषा दिया है उसको समझिए, काफी कुछ यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए पहली लाइन अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, मतलब मिनिमम दो संख्या तो रहेगी, मिनिमम दो संख्या तो रहेगी,
एक संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कभी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, मिनिमम दो संख्या रहेगी। पहली लाइन आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, मतलब मिनिमम दो संख्याएं तो रहेंगी ही। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, दो चार छह, ये तीन संख्याएं हैं, इन तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम चाहिए रहेगा। छोटा सा एग्जांपल लिया हूं, अभी मैं मेथड की बात नहीं करूंगा कि विधि क्या होती है एलसीएम निकालने की, एचसीएफ निकालने की, अभी छोटा सा एग्जांपल लिया हूं, परिभाषा से ही डील हो जाएगा ये। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, तो मैंने तीन संख्याएं ले ली, दो चार छह, इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम चाहिए मेरे को। परिभाषा के हिसाब से देखते हैं एचसीएफ क्या होगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, तो ये दो या दो से अधिक संख्याएं हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को अलग अलग पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित का मतलब कंप्लीटली डिवाइड करे। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब दो चार छह का अगर मैं एचसीएफ बोलता हूं तो आप क्या बोलेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। परिभाषा में क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को अलग अलग क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे। समझ आ रहा है? तो एचसीएफ अगर मैं दो चार छह का बोलूंगा तो आपके दिमाग में चलेगा बड़ी से बड़ी संख्या जो दो चार और छह तीनों को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो अपने मन में सोचो, बड़ी से बड़ी संख्या जो दो चार छह इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगी, तो दो चार छह के एचसीएफ को परिभाषित कैसे करोगे आप, बड़ी से बड़ी संख्या जो दो चार छह को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं का मतलब दो चार छह, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को अलग अलग पूर्णतः विभाजित करे, मतलब अगर मैं दो चार छह का एचसीएफ बोल रहा हूं तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दो चार छह को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो दो चार छह को कंप्लीटली डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, दो है। मतलब पूरे नंबर सिस्टम में दो से बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को क्या करेगी, कंप्लीटली डिवाइड करेगी। अगर मैं बोला 10, 20, 30 का एचसीएफ, तो 10, 20, 30 का एचसीएफ को परिभाषित कैसे करोगे, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 20 और 30 को डिवाइड करेगी वो क्या होगी, 10। समझ आ रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 20 और 30 को डिवाइड करेगी वो 10। देखा जाए तो 5 भी 10, 20 और 30 को डिवाइड करेगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 20 और 30 को डिवाइड करेगी वो क्या है, 10। तो दी गई संख्याओं का एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करेगी, कंप्लीटली डिवाइड करेगी। समझ आ रहा है? एकदम आसान है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो दी गई संख्याएं दो चार छह, अगर मैं दो चार छह का एचसीएफ बोला तो आपके दिमाग में चलना चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। 10, 20, 30 का एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो इन तीनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 10, इन तीनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 2। समझ आया? अभी और भी चीजें सीखेंगे, फिलहाल इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब एलसीएम को समझो, अभी और भी बातें आएंगी, फैक्टर का मतलब समझाऊंगा, मल्टीपल का मतलब समझाऊंगा आपको। एलसीएम को समझो, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याएं हैं, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो एलसीएम को क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से मतलब दो चार और छह से, दो चार और छह से डिवाइड हो जाए, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, एलसीएम। डिफरेंस क्या है, एचसीएफ दी गई संख्याओं को डिवाइड करता है और एलसीएम दी गई संख्याओं से क्या होता है, डिवाइड होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसको पकड़ के प्रश्न सॉल्व करना है आपको।
बड़ी से बड़ी संख्या जो 2, 4, 6 को डिवाइड कर दे वो एचसीएफ, छोटी से छोटी संख्या जो 2, 4, 6 से डिवाइड हो जाए वो क्या है एलसीएम। समझ आ रहा है? 2, 4, 6 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 12। 4 को पकड़ोगे 2 और 4 से होगा, 6 से नहीं होगा। 6 को पकड़ूंगा 2 और 6 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा। तो 2, 4, 6 इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? 12 है। तो प्रश्न को कैसे पकड़ोगे आप? अगर दी गई संख्याओं को डिवाइड करने की बात कर रहा है मतलब एचसीएफ का प्रश्न है, दी गई संख्याओं से डिवाइड होने की बात कर रहा है मतलब वो एलसीएम का प्रश्न है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न को यहीं से पकड़ना है, इसीलिए पहले मैं ये परिभाषा को ही बताया हुआ आपको। एकदम आसान, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे एचसीएफ, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए एलसीएम। समझ आ रहा है? जो प्रश्न आएंगे स्टेटमेंट वाले वो यहीं से पकड़ में आएंगे। इसका जो और मैं बताऊंगा जानकारी एलसीएम का एचसीएफ का वो तो ध्यान रखेंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न आएंगे उनको यहीं से पकड़ेंगे। दी गई संख्याओं से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या एलसीएम, दी गई संख्याओं को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ। तो 2, 4, 6 के एलसीएम को डिफाइन कैसे करूंगा? इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या एलसीएम। 2, 4, 6 के एचसीएफ को डिफाइन कैसे करूंगा? 2, 4, 6 से डिवाइड हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या एलसीएम, और 2, 4, 6 को डिवाइड कर दे वो बड़ी से बड़ी संख्या एलसीएम। 2 से बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, और 12 से छोटी संख्या नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड होगी। पूरे नंबर सिस्टम में 2 से बड़ी संख्या है ही नहीं। आप सोचो अपने मन में, 2 से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करेगी नहीं है, और 12 से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड होगी नहीं है। इसीलिए लीस्ट बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट। तो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। यहां तक देख लीजिए एक बार, बनेगा यहां तक? और भी जानकारी देखेंगे। 10, 20, 30 के एचसीएफ को डिफाइन कैसे करोगे? बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 20, 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। 10, 20, 30 के एलसीएम को कैसे डिफाइन करोगे? छोटी से छोटी संख्या जो 10, 20, 30 से डिवाइड होगी। समझ आ रहा है? अभी और भी बातें समझाऊंगा। ऑनलाइन में समझ आया भाई यहां तक? हाँ, 60 होगा। समझ आया यहां तक? ऐसा लिख लेंगे ताकि समझ में आए, ये जो एरो बना के लिखा हो, दी गई संख्याओं को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ, दी गई संख्याओं से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। अलग अलग कहने का मतलब क्या है? ये देखो, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को अलग अलग मतलब 2 से 2 डिवाइड भी होगा, 2 से 4 भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से 6 भी डिवाइड। अलग अलग बोलने का मतलब ये हुआ, नहीं लिखेंगे अलग अलग तो भी काम चल जाएगा। अलग अलग बोलने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 2, 4, 6 इन तीनों को डिवाइड करे, तीनों को, इसलिए मैंने अलग अलग बोल दिया है। नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, दी गई संख्याओं को बोलने का मतलब वही हो गया। चलो अब थोड़ी और जानकारी एलसीएम को लेकर समझते हैं, उसके बाद एचसीएफ में वापस से आएंगे। तो एलसीएम को लेकर आपने ये समझा, अगर मैं 2, 4, 6 का एलसीएम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 12। आपने ये समझा एलसीएम के बारे में, आपने क्या समझा? छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित। दी गई संख्याओं से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित, विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम, जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मेथड बताऊंगा क्या होता है एलसीएम निकालने का, विधि कैसे 12 निकालना है, लेकिन ये तो छोटा सा प्रश्न है तो आप सोच सकते हैं। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझो, ये तो समझ आ गया आपको, अब समझेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो नाम है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या बता रहा है? ये परिभाषा हिंदी वाली कैसे बनी है इस बात को समझो। मल्टीपल का मतलब तो पता है, गुणज। 2 का गुणज क्या होगा? 2, 4, 6, 8, मतलब 2 का जो टेबल है वही 2 का गुणज।
चार का जो टेबल है वही चार का गुणज, छह का जो टेबल है वही छह का गुणज। तो दो के गुणज अगर मैं लिखूंगा तो आप क्या बोलेंगे, दो चार छ आठ दस बारह, चार का टेबल लिखूंगा मतलब यही चार के गुणज है, छह का टेबल लिखूंगा मतलब यही छह के गुणज है। समझ आ रहा है, दो चार छ इन तीनों संख्याओं के मल्टीपल्स गुणज अगर मैं लिखूंगा तो ये दो के गुणज तो हैं, जो दो का पहाड़ा पढ़े हैं आप, दो दहम बीस, ऐसा नहीं कि बीस तक ही है, उसके आगे भी है, लेकिन आप दो दहम बीस तक पढ़ते हैं। दो के मल्टीपल्स दो चार छ आठ ऐसे बढ़ रहे हो आप, चार के मल्टीपल्स चार आठ बारह सोलह, छह के मल्टीपल्स छह बारह अठारह चौबीस, यही होगा गुणज मल्टीपल्स। अब देखो इंग्लिश में क्या बोला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन का मतलब जो तीनों में मिल जाए। अगर मैं दो चार छह का एलसीएम बोलूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन का मतलब जो तीनों में मिल जाए, तीनों में मिल जाए, और लीस्ट मतलब सबसे पहले मिले, तीनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, बारह। ये देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब तीनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वही क्या है, एलसीएम। एकदम सिंपल सी बात है, दो का टेबल लिखा, चार का टेबल लिखा, छह का टेबल लिखा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दो के मल्टीपल्स, ये चार के मल्टीपल्स, ये छह के मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल तो आगे जाके 24 भी आएगा, दो के टेबल में 24 आएगा ना, चार के टेबल में 24 आएगा, छह के टेबल में 24 आएगा, 24 भी तो कॉमन मल्टीपल है लेकिन वो लीस्ट नहीं है। लीस्ट का मतलब तीनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो क्या है, 12 है। अब यहीं से हिंदी की परिभाषा जो लिखवाया था वो बनी है, देखो कैसे बनी है, दो का मल्टीपल है तो दो से तो डिवाइड होगा ही, दो का मल्टीपल है तो दो से डिवाइड होगा ना, चार का मल्टीपल है तो चार से डिवाइड होगा, छह का मल्टीपल है तो छह से डिवाइड होगा, चूंकि तीनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल, मतलब तीनों से डिवाइड होगा, और पहला कॉमन मल्टीपल है तो मैंने परिभाषा क्या लिखवा दी, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या होगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी। यहीं से मैंने हिंदी की परिभाषा लिखवा दी है, समझ आ रहा है। दो का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, दो का टेबल लिख रहा हूं, चार का मल्टीपल, छह का मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन हो, लीस्ट का मतलब सबसे पहले मिले वही तो लीस्ट कहलाएगा, सबसे पहले जो आएगा कॉमन मल्टीपल वही लीस्ट। तो तीनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 12। तो यहां पे एलसीएम में क्या बोल दूंगा, 12। अब मैंने हिंदी वाली परिभाषा यहीं से बनाई कि दो का मल्टीपल है तो दो से डिवाइड होगा, चार का मल्टीपल है तो चार से डिवाइड होगा, छह का मल्टीपल है तो छह से डिवाइड होगा, चूंकि तीनों का कॉमन मल्टीपल मैं लिख रहा हूं मतलब तीनों से डिवाइड होगा, और पहला कॉमन मल्टीपल है मतलब मैंने बोला छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यहीं से परिभाषा बनी है, समझ आ रहा है, दी गई संख्याओं से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या ही क्या है, एलसीएम है। या फिर आप ऐसा सोच लो, जैसे 10 20 30 के एलसीएम आप देख पा रहे थे, दी गई संख्याओं से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या एलसीएम 60 आएगा। मेथड बताऊंगा, ये देखो 10 का टेबल लिखूंगा मैं तो 10 का टेबल लिखूंगा मतलब 10 का मल्टीपल, 20 का टेबल लिखूंगा मतलब 20 का मल्टीपल, 30 का टेबल लिखूंगा मतलब 30 का मल्टीपल, इन तीनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिल रहा है वो क्या है, 60। तो एलसीएम क्या हो गया, 60, कॉमन मल्टीपल जो कि लीस्ट है, मतलब सबसे पहले कॉमन मतलब तीनों में मिले, तीनों का एलसीएम निकालना है मतलब तीनों में कॉमन हो, दो संख्याओं का एलसीएम मतलब उन दोनों में कॉमन हो। तो यही से परिभाषा बना दिए, चूंकि 10 का मल्टीपल है तो 10 से डिवाइड होगा, 20 का मल्टीपल है तो 20 से डिवाइड होगा, 30 का मल्टीपल है तो 30 से डिवाइड होगा, क्योंकि तीनों में कॉमन है तीनों से डिवाइड होगा, वो तीनों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या ही क्या है, एलसीएम। ये सब काम आएगा जब पढ़ेंगे एप्लीकेशन एलसीएम का, वो घंटी बजने वाले प्रश्न आते हैं, बेल बजने वाले प्रश्न आते हैं, इंटरवल पे बेल बजती है, वहां पे सोचना पड़ेगा कि एलसीएम का प्रश्न क्यों है ये, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला प्रश्न आता है, चार पांच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हर अलग अलग अंतराल पे ये बीप करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि एलसीएम का प्रश्न क्यों है ये, ये चीजें समझेंगे तब दिमाग चलेगा वहां पे। ट्रैफिक सिग्नल वाला प्रश्न आता है, बहुत पूछता है, उसको पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो एलसीएम का प्रश्न क्यों है, उसमें लिखा थोड़ी रहेगा कि एलसीएम निकालो उसका,
समझना पड़ेगा आपको कि एलसीएम का प्रश्न क्यों है। ये इस फर्श पे आपको टाइल्स बिछाना है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स बिछानी है मेरे को, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, स्क्वायर शेप की टाइल्स, मतलब वर्ग आकार की टाइल्स बिछानी है स्क्वायर शेप की। कितनी टाइल्स मिनिमम लगेंगी, एचसीएफ का प्रश्न है, समझ आ रहा है, एचसीएफ का प्रश्न है, समझाऊंगा। बहुत बार पूछा है ये, मान लो कोई रूम का फर्श है, इस फर्श पे मेरे को बिछाना है टाइल्स, समझ आ रहा है, इस फर्श पे मेरे को टाइल्स बिछाना है, इसका लंबाई चौड़ाई दे दिया है आपको इस फर्श का, इस पे मेरे को टाइल्स बिछाना है, और वो टाइल्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर शेप का, तो मिनिमम कितनी टाइल्स लगेंगी जिससे परफेक्टली पूरा का पूरा ये फर्श क्या हो जाए, सेट हो जाए, एचसीएफ का प्रश्न है। ट्रैफिक सिग्नल वाला प्रश्न एलसीएम का प्रश्न है, बेल बजने वाला प्रश्न एलसीएम का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला प्रश्न एलसीएम का प्रश्न है। तो वो तभी समझ आएगा जब आपको एलसीएम का कंप्लीट नॉलेज होगा कि एलसीएम आखिरकार होता क्या है। तो एलसीएम समझ में आ गया, दी गई संख्याओं से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या एलसीएम, दो चार छह का एलसीएम मतलब दो चार छह इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या, या फिर दो चार छह का टेबल लिखूंगा, तीनों के टेबल में जो पहला कॉमन मल्टीपल मिलेगा, पहला कॉमन मल्टीपल वही क्या है, एलसीएम। अब एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा और समझो, बन जाएगा एलसीएम। एलसीएम निकालने का मेथड भी देख लो साथ में, फिर एचसीएफ में आते हैं, 10 मिनट और देख लो बस। एलसीएम निकालने का मेथड देख लो, अब मेथड कल प्रश्न कराऊंगा इसके बहुत सारे, आज केवल यही सब सिखा रहा हूं। एलसीएम निकालने का मेथड, तो पहला मेथड जो है गुणनखंड विधि होता है, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है समझो, जैसे दो चार छह का मेरे को एलसीएम निकालना है, दो चार छह का मेरे को एलसीएम निकालना है, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, दो चार छह एक साथ लिखते हैं, इनके फैक्टर्स निकालते हैं आप, इनके फैक्टर्स दो से स्टार्ट करेंगे, अगर दो से कोई भी संख्या भाग जा रही है तो भाग देंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो त्रिका छह, अभी भी कोई दो से भाग जा रहा है तो दो से ही भाग देना है, जब तक कोई भी संख्या दो से भाग जा रही है दो से देना है, जो नहीं जा रही उसको एज इट इज लिख दो। अब दो से कोई नहीं जा रहा है, तीन से भाग जाएगा, तीन से भाग दे दो, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, जो फैक्टर्स आए उनको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम कितना आ गया, 12। समझ आ रहा है, ये पहला तरीका गुणनखंड विधि, इसी का यूज होता है इस चैप्टर में, गुणनखंड निकालेंगे। एक और देख लो, डाउट होगा तो, 10, 20, 30 का एलसीएम मेरे को निकालना है, 10, 20, 30 का एलसीएम मेरे को चाहिए, तो 10, 20, 30 का मैं गुणनखंड निकालूंगा, जब तक दो से डिवाइड होगा, दो पंचे 10, दो दहम 20 और 15 दूनी 30, अभी भी दो से कौन डिवाइड हो रहा है, 10, अब दो से कोई डिवाइड नहीं होगा, तीन से डिवाइड करो, अब पांच से डिवाइड करो, गुणनखंड जो आए इनको गुणा कर दो, दो दूनी चार, चार त्रिका 12, 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। ये पहला मेथड है, एक और मेथड बता रहा हूं, शॉर्टकट मेथड, उसका यूज हर जगह नहीं होगा लेकिन बहुत जगह पे कर सकते हो, वो मेथड बता रहा हूं, यहां तक नोट कर लो। तो एलसीएम क्या होता है एकदम डिटेल में समझा दिया मैं, एलसीएम होता क्या है, एक्चुअल में आपको समझ आ गया है कि एलसीएम होता क्या है, हिंदी का जो डेफिनेशन लिखवाया था पूरा वो बना कैसे वो भी आपने समझ लिया है, ये आपने टेबल के फॉर्मेट में समझा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है ये आपने समझा, एलसीएम निकालने का मेथड आपने देखा। तो पहला जो मेथड है इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, यहां तक नोट कर लीजिए, हो गया यहां तक। देखो यहां पे जो फैक्टर्स आते हैं, बड़ी संख्या से ट्राई मत करना, आपको लगेगा सर फालतू काम झाम कर रहे हो, 10 से भाग दो फिर 2 से फिर 3 से, तो बड़ी संख्या से मत देना, गलतियां होंगी। यहां पे जो फैक्टर्स आएंगे ये फैक्टर्स इसी सीक्वेंस में होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकते, समझ आ रहा है, प्राइम नंबर्स होंगे ये, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, चार आएगा ही नहीं यहां पे, क्योंकि चार से भाग जाने वाली संख्या दो से पहले ही जा चुकी होगी, छह आएगा ही नहीं, छह से भाग जाने वाली संख्या दो और तीन से पहले ही जा चुकी होगी,
आठ आएगा ही नहीं, आठ से भाग जाने वाली संख्या पहले ही दो से जा चुकी होगी। नौ आएगा ही नहीं, नौ से भाग जाने वाली संख्या पहले ही तीन से जा चुकी होगी। दस आएगा ही नहीं, दस से भाग जाने वाली संख्या दो और पांच से जा चुकी होगी। तो फैक्टर्स जो आएंगे यहां पे इसी सीक्वेंस में आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, इसी सीक्वेंस में आएंगे फैक्टर्स। जब तक कोई भी संख्या दो से जाएगी, तीनों जा रहे हैं दो से भाग दिया, दस जा रहा है दो से भाग दिया, अब दो से कोई नहीं जा रहा, तीन से सोचो पंद्रह जा रहा है भाग दिया, अब पांच से तीनों भाग जा रहे हैं। नीचे सबके एक 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 आना चाहिए, जो फैक्टर्स आए उनको गुणा कर दो, एलसीएम मिल गया। तो ये साठ क्या है, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। या इन तीनों का टेबल लिखूंगा तो सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मेरे को मिलेगा वो क्या होगा, साठ हो गया एलसीएम। एक और तरीका क्या होता है एलसीएम निकालने का शॉर्टकट, ये जनरली यूज हो जाता है जोड़ने घटाते समय, जब फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं घटाते हैं जनरली वहां पे यूज हो जाता है। देख लो क्या है, दो चार छह का एलसीएम निकालना है तो आप क्या करना, बड़ी संख्या को उठा लेना, बड़ी संख्या क्या है छह। अगर बड़ी संख्या बची संख्याओं से भाग चली गई तो वही एलसीएम। तो बड़ी संख्या छह बची संख्याओं से भाग जा रही है क्या, नहीं, दो से जा रही है, चार से नहीं जा रही है, तो एलसीएम छह नहीं होगा। बड़े वाले का डबल कर दो तो बड़े वाले का डबल कितना, बारह। अब बारह दो और चार दोनों से जा रहा है तो बारह क्या हो गया, एलसीएम। ये कहां से आ रहा है समझ आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है, छह का टेबल ही तो पढ़ रहा हूं, छह दूनी बारह, छह त्रिका अठारह। छह अगर दो और चार से भाग जाता इसका मतलब दो और चार के टेबल में छह आता, समझ आ रहा है। अब छह नहीं आया तो फिर 12 को क्यों देखा, क्योंकि भाई 6 का भी तो मल्टीपल होना चाहिए वो। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, बड़ी संख्या को उठा रहा हूं, बड़ी संख्या क्या है 6। अगर ये 2 और 4 से भाग गई तो यही एलसीएम, नहीं गई तो बड़े वाले का दोगुना करो, दोगुना करो 12, 12 2 और 4 से भाग जा रहा है तो एलसीएम कितना हो गया 12। जैसे 10 20 30 बड़ी संख्या क्या है 30, 10 से भाग जाएगी बिल्कुल, 20 से जाएगी क्या, नहीं, तो 30 एलसीएम नहीं होगा। बड़े वाले का डबल 60, 10 और 20 दोनों से जा रहा है 60 एलसीएम। तो बड़ी संख्या को देखो, बड़ी संख्या अगर बची संख्याओं से भाग गई तो वही एलसीएम, नहीं गई तो बड़े वाले का डबल करो, डबल नहीं गया तो ट्रिपल करो, कहीं ना कहीं पे चला जाएगा। तो ये छोटी संख्याओं में काम आ जाता है, छोटी संख्याओं में काम आ जाएगा ये। लेकिन संख्याएं बहुत ज्यादा होंगी, इस प्रकार से अगर मैं बोला 10, 12, 15, 18 का एलसीएम बताओ तो यहां पे फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना, इससे काम नहीं चलने वाला, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। 180 आएगा सीधे तो कितना आगे बढ़ेंगे, 18 का दो गुना, तीन गुना, चार गुना, 10 गुना करने पर भाग जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में जनरली काम आ जाता है। जैसे मैं बोला 18, 24, 36 का एलसीएम बताओ तो बड़ी संख्या क्या है 36, 18 से जा रहा है 24 से नहीं जा रहा है, 36 का डबल 72, 18 और 24 से जाएगा, समझ आ रहा है। 10, 12, 15 बड़ी संख्या क्या है 15, 10 से जाएगा नहीं, 12 से जाएगा नहीं, 15 का दो गुना 30, 10 से जाएगा 12 से नहीं जाएगा, 15 का तीन गुना 45, 10 और 12 से नहीं जाएगा, 15 का चार गुना 60, 10 और 12 दोनों से जाएगा। ये एक्चुअल में शॉर्टकट निकला कहां से है, ये जो मैं बताया था ना, ये परिभाषा यहां से निकला, समझ आ रहा है। देखो 6 इन दोनों के टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब 2 और 4 से भाग नहीं जाता है, 2 के टेबल में आ रहा है, 4 में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर 4 से भाग जाता तो 4 के टेबल में आता, और 4 के टेबल में आता तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल 6 मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो 6 का डबल क्यों लिखा, क्योंकि 6 के बाद 6 का अगला मल्टीपल 6 का डबल ही तो होता है, समझ आ रहा है। तो ये जो शॉर्टकट निकला है ये परिभाषा से ही निकला है, कोई अलग से ऐसा कुछ जादू टाइप का नहीं हो रहा है कि कैसे भी आ गया है, वो समझ के करेंगे तो इसी परिभाषा से निकल रहा है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकलता है, उसका विधि बन जाएगा यहां तक देख लो अगर फटाफट, जो अभी तक पढ़ाया है मैंने, 2 मिनट बस और लूंगा क्लास, बन जाएगा यहां तक। एलसीएम को देखो, अभी एचसीएफ को भूल जाओ एक बार के लिए, एलसीएम को देख लो पूरा। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, मतलब मिनिमम दो संख्या होनी चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या लीस्ट नंबर जो दी गई संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो, दी गई संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो,
विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। तो दो चार छह के एलसीएम को कैसे रीड करोगे, दो चार छह से पूर्णतः विभाजित हो वह छोटी से छोटी संख्या 12 होगी। 10, 20, 30 के एलसीएम को कैसे परिभाषित करोगे, 10, 20, 30 से डिवाइड हो वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम। अब यही से मैंने क्या किया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक्चुअल मतलब आपको मैंने समझाया, जहां से वो हिंदी का परिभाषा बन के आया है। दो का टेबल मल्टीपल्स मतलब ये दो के मल्टीपल्स, ये चार के मल्टीपल्स, ये छह के मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल मतलब तीनों में कॉमन हो, लीस्ट मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले तीनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 12 है। एलसीएम क्या हो गया, 12। यहीं से आपने परिभाषा निकाली, क्योंकि दो का मल्टीपल है तो दो से डिवाइड होगा, चार का है तो चार से, छह का है तो छह से, तीनों का कॉमन है तो तीनों से डिवाइड होगा, तो आपने परिभाषा बना दी तीनों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या ही क्या है, एलसीएम। बन जाएगा यहां तक। एलसीएम निकालने का मेथड आपने देखा, तो ये पहला मेथड गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि आप देख सकते हैं, गुणनखंड निकालेंगे, जो गुणनखंड आए उनको गुणा कर दीजिए, एलसीएम मिल जाएगा। ये गुणनखंड इसी फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, बड़ी संख्या से कोशिश मत करना, गलतियां होती है वहां पे से। दूसरा मेथड मैंने बताया जो कि छोटे प्रश्नों में काम आ जाता है, बड़ी संख्या को देखो, बड़ी संख्या भाग गई तो ठीक, नहीं गई तो उसका डबल, डबल नहीं गया तो ट्रिपल, कहीं ना कहीं पे चला जाएगा। ये एक्चुअल में यहां से निकल के आया है। एचसीएफ के बारे में मैंने आज केवल इतना ही बताया है, और भी जानकारी है कल बताऊंगा वो मैं। आज केवल मैंने क्या बताया है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित। समझ आ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, समझ आ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी, तो एचसीएफ दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा और एलसीएम दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ा देते हैं कि बड़ी से बड़ी बोला तो एचसीएफ, छोटी से छोटी बोला तो एलसीएम, ऐसा नहीं रटना है आपको। समझ आ रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा जहां पे बड़ी से बड़ी बोलेगा और आप निकालेंगे एलसीएम, और ट्रैफिक सिग्नल वाला प्रश्न आया, घंटी बजने वाला प्रश्न आया, वहां पे तो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बोलेगा ही नहीं, प्रश्न को पढ़ के समझना है। तो सबसे जो की पॉइंट है प्रश्न को समझने का वो यही है कि एचसीएफ दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा, तो जहां पे संख्याओं को डिवाइड करने की बात होगी एचसीएफ, संख्याओं से डिवाइड होने की बात होगी एलसीएम। सिंपल सी बात है, संख्याओं से डिवाइड होने की बात हुई एलसीएम का प्रश्न है, संख्याओं को डिवाइड करने की बात हुई एचसीएफ का प्रश्न है। फैक्टर्स क्या होता है पता है, थोड़ा सा देखी लो, दो मिनट खत्म हो जाएगा। फैक्टर्स हिंदी में बोलते हैं इसको गुणनखंड। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर्स जैसे मैं बोला दो का फैक्टर्स क्या क्या होगा, दो का फैक्टर्स क्या क्या होगा, देखो गुणज में और गुणनखंड में अंतर होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। दो का गुणनखंड मतलब जो जो दो को भाग दे देगा वो दो का गुणनखंड, जिससे जिससे दो भाग चला जाएगा वो दो का गुणनखंड। तो दो का गुणनखंड क्या क्या होगा, एक और दो। गुणनखंड का सीधा मतलब, दो का गुणनखंड मतलब जिससे जिससे दो भाग जाएगा, चार का गुणनखंड मतलब जिससे जिससे चार भाग जाएगा, छह का गुणनखंड मतलब जिससे जिससे छह भाग जाएगा, ये होता है गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर्स का मतलब, छह के फैक्टर्स बताओ तो एक दो तीन और छह, जिनसे जिनसे छह भाग जाएगा वो छह के फैक्टर्स, जिनसे जिनसे चार भाग जाएगा वो चार के फैक्टर्स, जिनसे जिनसे दो भाग जाएगा वो दो के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स डिफरेंस समझ आ रहा है, मल्टीपल्स मतलब टेबल पढ़ दो आप, फैक्टर्स मतलब क्या हुआ, दो के फैक्टर्स मतलब जिनसे जिनसे दो भाग जाएगा, चार के फैक्टर्स मतलब जिनसे जिनसे चार भाग जाएगा, छह के फैक्टर्स मतलब जिनसे जिनसे छह भाग जाएगा। तो ये दो के फैक्टर्स, ये चार के फैक्टर्स और ये छह के फैक्टर्स। अब क्या बोला, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, तो तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, दो ही तो आ रहा है बस। तो एचसीएफ कितना हो गया, दो। समझ आ रहा है, इसका भी हिंदी का डेफिनेशन कैसा बनेगा समझ में आ जाएगा। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो के फैक्टर्स, चार के फैक्टर्स, छह के फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा तीनों में कॉमन क्या है, दो।
अगर तीन भी तीनों में कॉमन होता तो दो और तीन दोनों को उठाता तो दो गुणा तीन कितना हो जाता, छह हो जाता। एक को उठाने का कोई मतलब नहीं है, एक को उठाने का कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, एक और दो, दो एकम दो, एक को उठाने का कोई मतलब नहीं है। तो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दो आ रहा है। अब यहीं से परिभाषा कैसे बनेगी देखो, अब दो के फैक्टर्स हैं मतलब इनसे दो क्या होगा, डिवाइड। चार के फैक्टर्स है मतलब इनसे चार क्या होगा, डिवाइड। छह के फैक्टर्स है मतलब इनसे छह क्या होगा, डिवाइड। तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। सिंपल सी बात, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करेगी, डिवाइड। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या होगी, डिवाइड। एचसीएफ निकालने का मेथड नहीं बता रहा हूं, अभी बन जाएगा यहां तक। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम निकालने का मेथड, ये डिटेल में आपने समझाया, बन जाएगा यहां तक। किसी को डाउट है कुछ तो पूछिए, ऑनलाइन में किसी को डाउट है यहां तक तो पूछेंगे भाई, बाकी कल देखेंगे। तो एलसीएम के सेपरेट प्रश्न कल से स्टार्ट होंगे, पहले एलसीएम पूरा पढ़ेंगे, एलसीएम के सेपरेट प्रश्न पूरे देखेंगे, फिर एचसीएफ के सेपरेट प्रश्न पूरे देखेंगे, उसके बाद दोनों के मिक्स प्रश्न देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा मैं। तो फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड और मल्टीपल्स का मतलब गुणज। मल्टीपल्स क्या होते हैं, दो का मल्टीपल, दो चार छह आठ, ये सब दो के फैक्टर्स जिनसे जिनसे दो भाग जाएगा, चार के फैक्टर्स जिनसे जिनसे चार भाग जाएगा, छह के फैक्टर्स जिनसे जिनसे छह भाग जाएगा। तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही क्या है, एचसीएफ। तो आपने यहीं से परिभाषा बनाई, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों भाग चले जाएं, तो बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे तीनों भाग चले जाए वो क्या है, दो। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दो चार छह भाग जाएगा वो दो है। छोटी से छोटी संख्या जो दो चार छह से भाग जाएगा वो बारह है, बन जाएगा। तो संख्याओं को विभाजित करने का मतलब एचसीएफ, संख्याओं से विभाजित होने का मतलब एलसीएफ, बनेगा यहां तक। चलो कल देखते हैं इसके आगे का, कल क्वेश्चंस कराऊंगा, आज केवल इंट्रो दे रहा था मैं सिलेबस का और थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ समझाया हूं। चलिए यहां तक पढ़ के आइए, ऑनलाइन में किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, इसके आगे का कल देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चंस काफी करा दूंगा मैं, सफिशियंट रहेंगे वो क्वेश्चंस, साथ में प्रैक्टिस शीट। बुक्स लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बुक मत लेना, एक भी मत लेना, दो और तीन की तो बात ही अलग है, एक भी बुक नहीं लेना है आपको, केवल नोट्स और प्रैक्टिस सेट। चलिए डेढ़ दो महीने में आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, डेढ़ महीने में आराम से मैथ्स हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। चलिए कल देखेंगे फिर।